नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। अगर आपको भी आपके खुद के घर में घुसते हुए ही हो जाती है टेंशन, आप जब भी अपने घर में आते हैं आपको अजीब सी नेगेटिविटी का एहसास होने लगता है, आपका भी अपने ही घर में रुकने का मन नहीं करता है, तो इसके पीछे हो सकते हैं ये भयंकर कारण। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो किसी भी व्यक्ति के लिए घर दुनिया में सबसे रिलैक्सिंग प्लेस होता है। आप चाहे पूरा दिन जितना घूमें, लेकिन जब आप घर जाते हैं तो आपको बेहद ही सुकून महसूस होता है। घर में घुसते ही आधी थकान तो यूं ही गायब हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि उन्हें घर में घुसते ही एक अजीब सी टेंशन होने लगती है। जैसे ही वे घर के अंदर आते हैं उन्हें एक अजीब सी नेगेटिविटी का एहसास होता है, और ऐसे में उनका घर के अंदर रुकने का मन ही नहीं करता है। उनको घर की बजाय बाहर रहना ज्यादा सही लगता है, क्योंकि अगर वे घर के अंदर रहते भी हैं तो भी उन्हें एक अजीब सा स्ट्रेस होने लगता है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो यह घर के वास्तु दोष के कारण हो सकता है। जी हाँ, घर में कुछ वास्तु दोषों के कारण भी ऐसा होता है। अब आप सोचेंगे कि वास्तु दोष तो कौन से हैं वो वास्तु दोष, तो चलिए इस वीडियो में हम आपको ऐसे कुछ वास्तु दोष के बारे में ही बता रहे हैं जो घर में घुसते ही आपके मन में टेंशन का कारण बन सकते हैं, आपके घर में नेगेटिविटी फैलाते हैं, आपको अपने ही घर में अजीब महसूस कराते हैं, खुद के घर में डर महसूस कराते हैं। तो बात इन वास्तु दोषों में बात करें सबसे पहले वास्तु दोष की, तो वो है मित्रों बहुत अधिक अंधेरा होना। जी हाँ, अगर आपके घर में घुसते ही एंट्रेंस पर बहुत अधिक अंधेरा है तो यह एक तरह की नेगेटिविटी क्रिएट करता है। इससे व्यक्ति का मन घर के अंदर आने का करता ही नहीं है, वह वापस घर से बाहर जाना चाहता है। यह उसे एक अजीब तरह ही टेंशन देता है। इतना ही नहीं, घर की एंट्रेंस की दीवारों पर सीलन या चटका हुआ प्लास्टर भी बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है। इससे भी व्यक्ति को घर में घुसते ही टेंशन का एहसास होने लगता है। तो अगर आपके घर में भी अंधेरा छाया रहता है तो उसके लिए सबसे पहले आपको इंतजाम करना चाहिए, चाहे तो सन लाइट या फिर बिजली वाली लाइट लगाएं, मगर घर से अंधेरा दूर जरूर करें, और हो सके तो घर ऐसा ही बनाएं जिसमें सन लाइट आए ही आए। इसके साथ ही अगर आपके घर की दीवारों पर सीलन और कन्ही से चटका हुआ प्लास्टर है तो उसे भी तुरंत ही सही कराएं। यानी कहने का मतलब है कि हर साल घर में थोड़ी बहुत मरम्मत जरूर कराएं, जिससे घर रहने लायक बना रहे। ज्यादा दिन तक घर पर ध्यान न दिया जाए तो उसमें नेगेटिविटी अपने आप बनने लगती है। अब बात करें दूसरे कारण के बारे में, तो दोस्तों दूसरा कारण है घर में गलत जगह सीढ़ियां होना। जी हाँ, कई बार घरों में एंट्रेंस के ठीक सामने सीढ़ियां बनी हुई होती हैं। ऐसे में दरवाजा खोलते ही व्यक्ति की नज़र सबसे पहले सीढ़ियों पर जाती है। यह भी एक तरह की नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है। इससे व्यक्ति को घर में घुसते ही अजीब सी टेंशन शुरू हो जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आपको सीढ़ी के सामने कोई रुकावट खड़ी कर देनी चाहिए, जिससे घर में आने वाले व्यक्ति की सीधी नज़र दरवाजे पर ना जाए। इसके साथ ही अगले कारण की बात करें तो दोस्तों अगला कारण है आपके घर के टॉयलेट का दरवाजा। जी हाँ, कुछ घरों को ऐसे भी बनाया जाता है कि घर के एंट्रेंस के दरवाजे के ठीक सामने टॉयलेट का दरवाजा होता है। इसे भी वास्तुशास्त्र के अनुसार अच्छा नहीं माना जाता है। इससे भी व्यक्ति के मन में नेगेटिविटी आने लगती है। अगर आपके घर में भी टॉयलेट का दरवाजा कुछ इसी तरह बना हुआ है तो ऐसे में आप उस टॉयलेट के दरवाजे की दिशा बदलने की कोशिश करें। अगर ऐसा करना संभव नहीं है तो आप दरवाजे में डोर क्लोजर लगा दें, जिससे आने वाले व्यक्ति की सीधी नज़र टॉयलेट पर ना पड़े। तो अगर आपके घर में कुछ ऐसी समस्या है तो इसका भी आप समाधान करा सकते हैं। इसके साथ ही सबसे ज्यादा जरूरी चीज है ये घर में पड़ा हुआ टूटा फूटा फर्नीचर। जी हाँ, अमूमन घरों में एंट्रेंस पर ड्राइंग रूम बना हुआ होता है। लोग अपनी सहूलियत के अनुसार ड्राइंग रूम बनवाते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर उस ड्राइंग रूम में कोई बहुत पुराना या टूटा फर्नीचर रखा है तो इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। इससे भी घर में नेगेटिविटी बढ़ने लगती है और लोगों के मन में टेंशन पैदा होती है।
अगर आपके घर के ड्राइंग रूम में भी इसी तरह का टूटा फर्नीचर रखा है तो उसे या तो आप बाहर कर दें या फिर उसे तुरंत रिपेयर करवाएं, क्योंकि ये टूटा फूटा फर्नीचर आपके घर में नेगेटिविटी का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। तो मित्रों, ये थे कुछ कारण जो कि आपके घर में नेगेटिविटी फैला सकते हैं। अगर आपके घर में भी कुछ इसी प्रकार की परेशानी है और बताई गई चीजों में से आपके भी घर में कुछ ऐसा ही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। इसके साथ ही चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। हर हर महादेव।